फाइव टिप्स, अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना, देन डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स। टिप्स नंबर वन, अ गुड टीचर। आपके एग्जाम प्रिपरेशन के जर्नी में एक अच्छे टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो यकीनन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अभी तक आपको उस सब्जेक्ट के अच्छे टीचर नहीं मिले, आपको जरूरत है एक अच्छे टीचर। टिप्स नंबर टू, परफेक्ट नोट्स। परफेक्ट नोट्स डजेंट मीन किसी बुक से एज इट इज कॉपी कर लेते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा वो कलरफुल होना चाहिए। परफेक्ट नोट्स मीन्स ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके नोट्स में होना चाहिए और आप जो भी पॉइंट नोट कर रहे हो उन सभी का मीनिंग, उन वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, सो दैट आप जब रिवाइज करने के लिए जाओ तो आप इजिली उसे रिवाइज कर पाओ। पॉइंट नंबर थ्री, रिविजन ऑफ नोट्स। ये एटलीस्ट 5 times होना चाहिए। जनरली आपको सब कुछ समझ में भी आ जाता है जब आप नोट्स बना रहे होते हो तो, बट आप उसे प्रॉपर रिवाइज नहीं करते और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो। आपको एटलीस्ट 5 times नोट्स रिवाइज करना है क्वेश्चन लगाने से पहले, चैप्टर फिनिश होने से पहले। टिप्स नंबर फोर, 80-20 method। जनरली हम लोग समझते हैं कि हर जगह ये बोला जाता है कि फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स है, इसमें कुछ बहट नहीं पढ़ना पड़ेगा, जबकि ये गलत है। एग्जैक्टली 80% कॉन्सेप्ट है, 80% आपको समझना है, बट 20% आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। एंड लास्ट टिप्स, पॉइंट नंबर 5, क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ये मैंने नहीं रखता है, कितना क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ये मैंने रखता है। आप में से जिस बच्चे को क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है फिजिक्स का, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के नाम से, जहां पे मोर देन 2500 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इससे ज़्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते नीट एग्जामिनेशन के लिए। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको ना तो किसी और बुक की जरूरत है लाइक PYQ, NCERT, फिंगर टिप्स या कोई भी बुक और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए सफिशियंट हो।